हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। करवा चौथ पर अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं और आप करवा बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से करवा बदला जाता है, क्योंकि हर साल जो है ना मैं भी अकेले ही पूजा करती हूँ, किस तरह से करवा बदलती हूँ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना जो भी मैंने सीखा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो कथा पढ़ने के बाद जो है ना करवा बदला जाता है, पहले आपको कथा पढ़नी है और किस तरह से पूजा की जाती है ये सब कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब बताने वाली हूँ करवा कैसे बदला जाता है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ बदला जाता है तो ही आप करवा बदलें। अगर आपके यहाँ करवा बदलने की ऐसी कोई परंपरा नहीं, आपने अपने घर में नहीं देखा है, तो फिर कोई जरूर आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं हमेशा आपसे एक बात बोलती हूँ कि हर घर की अपनी एक अलग परंपरा होती है, हर घर के थोड़े से रीति रिवाज अलग होते हैं। हाँ, पूजा सबकी सेम ही होती है, लेकिन थोड़े थोड़े से जो है ना रीति रिवाज आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी वैसे करवा बदलने की परंपरा नहीं है, लेकिन मैंने जितना सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से जो है ना करवा हमें बदलना चाहिए। तो हमारे पास देखिए दो करवे होते हैं, जैसे कि आप सबके पास दो ही करवे होते हैं, एक में हम मिठाई भरते हैं और एक में जो है ना जल भरा जाता है। तो मेरे पास भी यहाँ पर दो करवे हैं, एक करवा होता है पार्वती माता का और दूसरा करवा जो है ना हमारा होता है, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। सबको समझ में आ गया ना आपको? तो किस तरह से आपको बदलना है, सबसे पहले मैं चौकी पर जगह कर लूँ, क्योंकि जब हम चौकी पर पूजा करते हैं ना बहुत ज़्यादा सामान जो है ना इथल बिथल हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं जगह करूँगी, फिर जो है ना आपको अच्छे से समझाऊँगी कि किस तरह से जो है ना आपको करवा बदलना है। तो कहते हैं करवा बदलने से ऐसे होता है कि पार्वती माता का करवा आपको मिल जाता है और आपका करवा जो है ना पार्वती माता पर पहुंच जाता है। तो किस तरह से बदलना है, देखिए दो करवों को मैंने पास पास रख लिया है, इस तरह से आप रख ले, क्योंकि पूजा करते समय कोई सामान मत फैला देना, तो पास पास रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस वाइज अपने हाथ करने हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे किस तरह से। इस तरह से आप अपने हाथ करें और इस तरह से जो है ना आराम से आपको करवा को उठाना है, गिराना नहीं है, आराम से वन बार। तो इस तरह से जो है ना आपको कितनी बार करना है, सात बार। ये हो गया देखिए दूसरी बार, और इसी तरह से फिर से उठा लीजिए आप, और इसी तरह से उठाएंगे ना तो ये हो गया तीसरी बार, फिर जो है ना आपको चौथी बार, फिर पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार। तो पूरा आपको सात बार करना है। जब आप इस तरह से सात बार करेंगे तो इधर का करवा उधर और उधर का करवा इधर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं करवा बदलना। तो हम जो है ना इसी तरह से करवा बदलते हुए मैंने देखा है, तो आप लोगों के साथ मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया। और आप लोगों के यहाँ क्या अलग से होता है ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हम एक दूसरे के रीति रिवाज देख देख कर ही पहचान जानते हैं और धीरे धीरे करके हमको समझ में आते हैं, क्योंकि जन्म से कोई सीख कर नहीं आता, ये तो हम सबको पता है। यहीं पर जो है ना जो हमने सीखा है यहीं पर आकर सीखा है। तो बस ये जो मिट्टी वाला जो करवा होता है ना जिसमें हम जल भरते हैं, इससे जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से आप अगर कल करवा अगर बदलना चाहते हैं, आपका इच्छा है, तो इस तरह से जो है ना आप करवा बदल सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। और जिस करवे में हम मिठाई बांटते हैं, इस करवे को जो है ना दान किया जाता है। राधे राधे, जय श्री राधे।